So hello everyone. We'll start with CS2 risk modeling and survival analysis. So this will be a very short introduction class. And मैं आप लोग को एक quick overview दूंगी पूरे subject का कि इस paper में क्या क्या है and what we are going to study for the next 6 months. We have our exams on 19th and 20th April को हमारा exam है. 19th को पेपर ए है एंड 20th को पेपर बी है. ओके, सो वी अप्रोक्सीमेटली हैव 6.5 मंथ्स विद अस. हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम 12 वीक्स में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें. ठीक है, CS2 नाउ इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स ऑफ द एंटायर को टेक्निकल सीरीज, बट हम इसको काफ़ी कॉन्सेप्चुअली काफ़ी आराम से पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स को. एंड एज एंड वेन वी आर डूइंग इट इन थ्योरी वील कम्प्लीट इट इन आर. तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि अलॉन्ग विद द थ्योरी हमें पेपर बी में आर प्रोग्रामिंग है इन CS2. सो एज एंड वेन हम थ्योरी के चैप्टर्स रीड करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझते जाएंगे, वैसे ही हम उसको आर में उसका एप्लीकेशन देखते जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ क्विक ओवरव्यू कि हम क्या पढ़ने वाले हैं CS2 में. CS2 में क्या क्या कवर हो रहा है. एज वी ऑल नो दैट CS2 इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ CT4 एंड CT6. ठीक है, ये दोनों तो है ही, इसके साथ साथ देर आर सम न्यू चैप्टर्स जो एड ऑन हुए हैं. नॉट दीज न्यू चैप्टर्स वर नॉट देयर इन एनी को टेक्निकल सीरीज, या फिर कोई पेपर में पहले नहीं था जो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है CS2 में. ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसके साथ हमें आर प्रोग्रामिंग भी करना है. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू सी इन CS2. देर आर 21 चैप्टर्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन CS2 इन टोटल. इसमें से हम क्या करेंगे, हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो हम पूरे CS2 के सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड फिर हम लोग वैसे पार्ट वाइज पढ़ेंगे उसको. ठीक है, नाउ ऑल द टॉपिक्स आर सम वॉट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, तो अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो फिर आप दूसरे टॉपिक में जा रहे हो तो आपको कोई वैसा इंटर रिलेशन नहीं दिखेगा पहले वाले टॉपिक से. तो इसके लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए फॉर रिविजन ऑफ CS2 पेपर. सो वंस वी कम्प्लीट द इंटायर सिलेबस जो हमारा अप्रॉक्सीमेट है कि हम 12 वीक्स में पूरा कंप्लीट करें अलॉन्ग विद द आर प्रोग्रामिंग, तो उसके बाद वील हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रिविजन. एंड रिविजन ऑफ CS2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मिनिमम ऑफ 2 से 3 बार तो रिविजन हमें करना ही पड़ेगा इंटायर CS2 का. ठीक है, तो देखो 21 चैप्टर्स हैं, इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं. इसको मैंने बोला हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है Chapter 1 से लेके Chapter 11 तक. ठीक है, ये पूरा पोर्शन है CT4 का. तो CT4 जो टॉपिक सब्जेक्ट था पहले, पेपर था पहले, उसके सारे चैप्टर्स CS2 में आ गए. सो देर इज़ नो सब्ट्रैक्शन जो हम बोलेंगे. CT4 के सारे टॉपिक्स CS2 में आ गए. नाउ अगेन फर्स्ट 11 चैप्टर्स जो हैं CS2 के, वो पूरा CT4 वाला पोर्शन है. अब इसको हम वापस 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं. इसको हम 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे. पहला हो जाएगा Chapter 1 से लेके Chapter 5 तक का एंड दूसरा है Chapter 6 से लेके Chapter 11 तक का. नाउ Chapter 1 से लेके Chapter 5 वाला जो पोर्शन है, दिस इज स्टोकास्टिक मॉडलिंग एंड ये है सर्वाइवल मॉडलिंग. नाउ व्हाट इज स्टोकास्टिक, व्हाट इज सर्वाइवल, ये डिटेल्स में हम लोग और आगे पढ़ेंगे. जस्ट टू गिव यू अ क्विक अंडरस्टैंडिंग कि क्या है स्टोकास्टिक, इज बेसिकली हमें खाली इतना पता है कि अभी सपोज टाइम टी तक क्या हुआ है, वी डू नॉट नो आगे क्या होगा. इट्स बेसिकली मॉडलिंग द डिफरेंट स्टेट्स. आपने अगर किसी यहाँ पे किसी ने CM1 दिया है, इफ़ नॉट इट्स फाइन, अगर दिया है तो आपने पढ़ा होगा HSD मॉडल. सो समवॉट लाइक दैट. ऑब्वियसली यहाँ हम मॉडलिंग पूरा नहीं पढ़ेंगे, वील नॉट डू मॉडलिंग फ्रॉम स्क्रैच, बट येस वी लर्न एंड वील अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मॉडलिंग. ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग बट हमें ये नहीं पता, हमें आगे क्या होगा वो नहीं पता है,
हमें पता है टाइम टी तक क्या हुआ है, इट्स लाइक मॉडलिंग डिफरेंट स्टेट्स, जस्ट अ क्विक अंडरस्टैंडिंग. नाउ सर्वाइवल, सर्वाइवल वाला पोर्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू ह्यूमन मोर्टैलिटी, जहाँ पे हम फ्यूचर लाइफ टाइम मॉडल करेंगे. अगेन आप बहुत मॉडल मॉडल मॉडलिंग वाला वर्ड सुन रहे हो तो आपको लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा पेपर. पेपर हल्का डिफिकल्ट है फॉर श्योर, बट मॉडलिंग वी आर नॉट गोइंग टू डू फ्रॉम स्क्रैच जैसे मैंने बोला, बट वी आर गोइंग टू कवर द पार्ट्स ऑफ इट. ठीक है, तो सर्वाइवल इज द सेकेंड पार्ट ऑफ सी टी फोर. तो ये हो गया हमारे दो पार्ट्स जो मैंने आपको बोला कि हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे. ये हमारा पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है. ठीक है, पहला पार्ट हो गया स्टोकास्टिक पोर्शन ऑफ सी टी फोर, दूसरा पार्ट हो गया सर्वाइवल पोर्शन ऑफ सी टी फोर. नाउ कमिंग टू द अदर चैप्टर्स, नाउ व्हाट आर द अदर चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 18, 19 एंड 20. तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स सी टी सिक्स के हैं. ठीक है, ये सारे चैप्टर्स सी टी सिक्स के हैं. नाउ व्हेन आई से सी टी सिक्स का देयर वर नाइन ब्रॉड यूनिट्स इन सी टी सिक्स, जिसमें से वी हैव इन आर सिलेबस ओनली थ्री यूनिट्स. तो बाकी जो छः यूनिट्स हैं वो या तो दूसरे पेपर्स में चले गए हैं, या तो कुछ पोर्शंस हैं जो एलिमिनेट हो गए हैं. जैसे आई अज्यूम कि यहाँ पे सबने CS1 करा होगा, CS1 या तो आपने CT3 किया होगा. तो जिन्होंने CS1 किया है, आपने देखा होगा बेजियन स्टैट्स, GLM, ABCT, क्रेडिबिलिटी थ्योरी. तो ये सारा जो था ये आपने CS1 में पढ़ा था, ये चारों टॉपिक्स जो CT6 के थे. ठीक है, तो ये चारों टॉपिक्स चले गए CS1 में. और CM2 में कुछ पोर्शंस चले गए, विच इज़ रूइन थ्योरी एंड रन ऑफ. तो वो चले गए, दो टॉपिक्स चले गए CM2 में. तो ऐसे CS1 एंड CM2 में जो टॉपिक्स चले गए, कुछ टॉपिक्स बच गए, जैसे डिसीजन थ्योरी बच गया जो CT6 में था पहले, एंड मोंटे कार्लो सिमुलेशन. तो ये दोनों टॉपिक जो हैं वो एज सच कोई भी पेपर में नहीं गया है, कोई भी टेक्निकल पेपर में, कोई भी कोर पेपर में नहीं गया है. बट यू कैन से बिट्स एंड पार्ट्स आर देयर इन अदर पेपर्स, लाइक मोंटे कार्लो सिमुलेशन. जिन्होंने अभी CS1 दिया होगा इन द सेप्टेम्बर टर्म, उनके एक क्वेश्चन में आया था टू कैरी आउट मोंटे कार्लो सिमुलेशन, दैट इज नथिंग बट अ नॉर्मल सिमुलेशन जो हम लोग आर में कर सकते हैं. एक्चुअली टू कैरी आउट सिमुलेशन इज वेरी सिंपल इन आर प्रोग्रामिंग एज वेल एज इन एक्सेल. तो अलग से उसके लिए टॉपिक बना के कोई पॉइंट नहीं लगा होगा IFOA को, तो उन्होंने ये टॉपिक पूरा हटा दिया. ठीक है, हाँ हम बोल सकते हैं कि इसका पोर्शन CS1, CM2, CS2 में है, सिमुलेशंस हैं, बट देन ये सब्जेक्ट, ये जो पूरा टॉपिक था वो हट गया. सिमिलरली डिसीजन थ्योरी भी नहीं है, बट एज सच यू कैन से बिट्स एंड पार्ट्स आर देयर इन CM2 एंड CB2, जहाँ पे हम गेम थ्योरी एंड वो सब पढ़ते हैं. तो दिस इज योर अगेन द थर्ड पार्ट ऑफ CS2, विच इज़ नथिंग बट द CT6 पोर्शन. CT6 पोर्शन के खाली थ्री यूनिट्स हमारे CS2 में आए. एंड वॉट आर दीज थ्री यूनिट्स, दीज थ्री यूनिट्स आर नथिंग बट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रूइन रिस्क मॉडलिंग, रिस्क मॉडल्स, रीइंश्योरेंस एंड टाइम सीरीज. तो आप इसको एक यूनिट कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, तो रिस्क मॉडल्स के दो यूनिट हैं, दो चैप्टर्स हैं, टाइम सीरीज के दो यूनिट है, दो चैप्टर्स हैं. तो टोटल मिला के कितने हो गए, सिक्स चैप्टर्स यहाँ हो गए, 13, 14, 15, 18, 19 एंड 20. सो दीज आर द चैप्टर्स, सिक्स चैप्टर्स जो CT6 वाले पोर्शन से हैं. तो इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. जस्ट अ क्विक ओवरव्यू कि CT6 से क्या क्या आया है. CS2 में ओनली सिक्स चैप्टर्स वी हैव, रेस्ट जो बाकी सब्जेक्ट्स में बाकी टॉपिक्स में चले गए. द न्यू टॉपिक्स विच वी हैव नाउ, दिस फॉर्म्स द फोर्थ पार्ट ऑफ आर इंटायर CS2 जो मैं बोल रही हूँ. ठीक है, तो दीज आर द न्यू टॉपिक्स, बेसिकली द न्यू चैप्टर्स, एंड दीज चैप्टर्स आर Chapter 12, Chapter 16, 17 and 21. मैं एकदम जल्दी से इसका क्विक ओवरव्यू आपको दे दूंगी कि क्या है ये सारे चैप्टर्स में.
डिटेल्स में तो हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर्स करेंगे। तो क्यों IFOA ने समझा कि ये चारों चैप्टर्स नए चैप्टर्स हम CS2 में लाएं? बिकॉज इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है इन टुडेज वर्ल्ड, ऑल दीज फोर चैप्टर्स, एंड सो द IFOA डिसाइडेड टू इंक्लूड दीज इन CS2। चैप्टर 12 मैं आपको यहाँ नीचे दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली योर फोर्थ पार्ट विच इज़ द न्यू चैप्टर्स। तो मैंने जैसे बोला आपको कि हम चार पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, तो वैसे हमने चार पोर्शंस में इसको डिवाइड करेंगे एंड इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ कंसिडरिंग चैप्टर 12 विच इज़ मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन, चैप्टर का नाम है मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन। नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? व्हाट इज मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन? नाउ बेसिकली मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन इज, नाम से लग रहा है, मोर्टैलिटी प्रोजेक्ट करना है। बेसिकली हम ये सीखेंगे, यहाँ पे हमने देखा वी वर डीलिंग विद ह्यूमन मोर्टैलिटी, वी वर डीलिंग विद लाइफ टेबल कंस्ट्रक्शन। तो लाइफ इंश्योरेंस जनरली फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड फॉर पेंशन कंपनीज, इनके लिए फॉर पेंशन एंड लाइफ इंश्योरेंस मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फिनेंशियल एस्पेक्ट एज वेल। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम जब बोलते हैं मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन करना, इसका क्या मतलब है? सपोज मैंने बोला व्हाट इज मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी इज द रेट, ठीक है, अभी हम लोग इसमें नहीं जाएंगे व्हाट इज मोर्टैलिटी इन ऑल में, बट अगर मैं ये बोलूँ कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, नाउ दे कैन आइदर ओवर एस्टिमेट मोर्टैलिटी और दे कैन अंडर एस्टिमेट मोर्टैलिटी, क्योंकि हमें तो फ्यूचर मोर्टैलिटी प्रिडिक्ट मॉडल करना है, राइट? हमें एस्टिमेट करना है फ्यूचर मोर्टैलिटी। नाउ आर एस्टिमेट मे नॉट बी करेक्ट विद द एक्चुअल इवेंट्स विच टर्न्स अप। तो क्या हो सकता है, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इफ़ यू टॉक अबाउट, तो वो अगर मोर्टैलिटी को अंडर एस्टिमेट करेगा, अंडर एस्टिमेट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग विल बी हायर, ठीक है। एंड मैं बोल रही हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो क्या बेच रहा है, मे बी लेट्स सपोज हम बोल देते हैं अश्योरेंस प्रोडक्ट, एक अश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या होता है जिनको नहीं मालूम, अश्योरेंस प्रोडक्ट इज़ बेसिकली जहाँ पे हम क्लेम पे आउट करते हैं व्हेन द पर्सन डाइज, ठीक है। हमने कोई भी एक एंडोमेंट ले लो, एंडोमेंट अश्योरेंस, व्हेन द लाइफ डाइज वी विल पे द क्लेम अमाउंट। नाउ व्हाट हैपेंस इफ द कंपनी अंडर एस्टिमेट्स द मोर्टैलिटी, यानी कि वो सोच रहे कि ये इंसान ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहेगा, तो वो कंपनी क्या करेगा, उस इंसान से कम प्रीमियम चार्ज करेगा, करेक्ट? प्रीमियम कम चार्ज करेगा ना, मैं एस्टिमेट कर रही हूँ कि ये इंसान ज़्यादा टाइम तक के लिए ज़िंदा रहेगा, तो मैं अब उससे क्या करूँगी, कम प्रीमियम चार्ज करूँगी। बट दिस वॉज माई रॉन्ग एस्टिमेशन, एक्चुअल में क्या हुआ कि उसका मोर्टैलिटी वॉज हाई एंड मे बी वो इंसान जल्दी मर गया, तो मुझे क्लेम अमाउंट पहले पे करना पड़ेगा, बट मुझे उतना प्रीमियम्स मिला नहीं है, सो देयर विल बी अ फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कंपनी। तो ये है ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन ऑफ मोर्टैलिटी का जो डिसएडवांटेज है, जो एक कंपनी, जो फाइनेंशियल बर्डन है जो कंपनी फेस करते हैं, इसके वजह से मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन हैज़ बिकम रियली रियली इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। तो ये टॉपिक पहले कोई भी पेपर में नहीं था जो CS2 में इंट्रोड्यूस हुआ है। वी लर्न डिफरेंट मेथड्स ऑफ मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, वील अंडरस्टैंड दैट हाउ अ कंपनी कैन प्रोजेक्ट मोर्टैलिटी इन द लॉन्ग टर्म। This is what a quick overview which I have given you, quick understanding of which I have given you of this chapter, which is chapter number 12. Next comes your chapter number 16, which is nothing but EVT or the extreme value theory. Now what is extreme value theory? Extreme value theory, आपको थोड़ा कुछ नाम से strike हो रहा होगा, extreme value theory. We have to model the extreme values, ठीक है, extreme events basically. Now when we say extreme events, it's like understanding the tails of the distribution. Thoda ajeeb lag raha hai sunke, but ekdam easy language mein samajhte hain. Insurance company ke liye koi ek aisa event jiska probability, jiska likelihood us event ka bahut hi kam hai, jaise earthquake ka probability kam hai, theek hai, once in a decade aate hai maybe, covid ka scenario
दिस इज़ वेरी अनलाइकली, इसका लाइकलीहुड बहुत कम था, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, मे बी वंस इन अ सेंचुरी वाला इवेंट है ये, ठीक है। तो ये सारे जो इवेंट्स है, दिस इज़ नथिंग बट इनका प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लो, बट इनका इम्पैक्ट, जो फिनेंशियल इम्पैक्ट है ऑन द कंपनी इज़ वेरी ह्यूज, करेक्ट, इज़ वेरी ह्यूज। तो हम क्या बोलते हैं, ये सारे जो इवेंट्स होते हैं जिनका लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है होने का, पास्ट में ज़्यादा हुआ नहीं होता है ये सारे इवेंट्स, बट हम इनका जो इम्पैक्ट, जब भी होते हैं इवेंट्स तो इनका इम्पैक्ट इज़ वेरी ह्यूज ऑन द कंपनी, एंड हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दीज काइंड ऑफ इवेंट्स। तो इसका क्या मतलब है, दिस इज़ नथिंग बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मॉडल द टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, द इवेंट्स विच हैव वेरी लो लाइकलीहुड बट उनका इम्पैक्ट इज़ वेरी ह्यूज ऑन अ कंपनी। सो अगेन वील लर्न डिफरेंट मेथड्स ऑफ एन ई वी टी, जैसे जनरलाइज एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, जनरलाइज परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, सो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डू विद इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहले कोई पेपर में नहीं था, जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है सी एस टू में, ठीक है। नेक्स्ट कम्स चैप्टर 17 विच इज कॉपिलाज। नाम से ऐसा लग रहा होगा ना, ये तो हमने सुना ही नहीं कभी, कभी कॉपुलाज कभी नहीं सुना है, राइट, कोई भी पेपर में नहीं था और कभी हमने सुना भी नहीं है, नाम से समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है, बट आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल। नाउ व्हाट कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन, कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। जॉइंट प्रोबेबिलिटीज का क्या मतलब है, हमने यहाँ पे सबने किया है, जिन्होंने CT3 करा है, जिन्होंने CS1 करा है, सबने जॉइंट PDF निकाला है, ठीक है, सबने निकाला जॉइंट PDF। तो क्यों निकालते हैं जॉइंट PDF, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए। जॉइंट प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या, इजी लैंग्वेज में बताओ, इजी लैंग्वेज में सपोज आई अ कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन 10 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, उसको अब निकालना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन दीज 10 इन्वेस्टमेंट्स। तो बेसिकली क्या निकालने की कोशिश करे, वो क्या मॉडल करने की कोशिश करे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स। तो उसको किससे मतलब है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी से। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जॉइंट PDF चाहिएगा, ऑब्वियसली आप PDF से ही तो प्रोबेबिलिटी में होगे, जॉइंट PDF चाहिए आपको, जॉइंट PDF चाहिए। जॉइंट PDF को अब हम क्या करेंगे, इसको या तो हम इंटीग्रेट करते हैं इनकेस अगर ये कंटिन्यूस है, या फिर इसका सम लेके इससे हम क्या निकालते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, क्या निकालते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। बट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन सी एक और पॉइंट इधर ऐड कर सकते हैं हम, कि कैसे, हाउ दिस जॉइंट PDF रिलेट्स टू इंडिविजुअल PDFs। ये सारा जो कैलकुलेशन हम करते हैं ऑफ जॉइंट PDF एंड ऑल, कुछ कुछ अजम्पशंस हम लगाते हैं, जैसे अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अजम्पशन ऑफ नॉर्मैलिटी, इंडिपेंडेंट PDF शुड बी नॉर्मल। तो ये सारा जो अजम्पशंस हम लगाते हैं, इन अजम्पशंस को लेके ही हम जॉइंट PDF निकालते हैं, एंड देन वी कैलकुलेट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। नाउ इन द रियल वर्ल्ड दिस माइट नॉट बी द केस, ठीक है, ये जो हम अजम्पशंस ले रहे हैं, ये अजम्पशंस जरूरी नहीं कि सच हो। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, कॉपुला फंक्शन जो हम सीखेंगे इस चैप्टर में, there will be different copula functions which we are going to learn. Basically this copula function is nothing but ye as a input kya leta hai, marginal CDF ye leta hai isko as an input, and as output kya deta hai, and as output deta hai joint CDF, correct। Also, we'll study different copula functions, and ये जो different copula functions होंगे, basically we'll study the level of association between the variables बोल सकते हो, या what is the reason of dependency between the different variables, different PDFs, तो ये हम पढ़ेंगे within the copulas chapter, ठीक है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तक हमने तो हमेशा खाली ले लिया है ना अजम्पशन इंडिपेंडेंस का, नॉर्मैलिटी का, हियर वील स्टडी व्हाई, व्हाट इज द रीजन, एंड हाउ इफ नॉट देन हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इफ नॉट इंडिपेंडेंट, इफ नॉट नॉर्मल देन व्हाट, ओके। तो ये हो गया आपका कॉपुलास चैप्टर 17। नाउ द लास्ट न्यू चैप्टर विच इज इंक्लूडेड इज मशीन लर्निंग। काफ़ी जनों ने सुना होगा अभी रिसेंटली,
मशीन लर्निंग इन आर, मशीन लर्निंग इन पाइथन, काफ़ी लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मशीन लर्निंग इज़ अ वेरी बिग टॉपिक ऑन इट्स ओन। यहाँ पे CS2 में पार्ट इंक्लूड किया है थोड़ा सा, एंड ऑब्वियसली इसका इम्प्लीकेशन आर में भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी रिसेंटली सेप्टेम्बर टर्म में आर प्रोग्रामिंग में इट केम फॉर 40 मार्क्स, मशीन लर्निंग केम फॉर 40 मार्क्स इन आर प्रोग्रामिंग। सो अगेन इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है जब इसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट इज़ इंक्लूडेड इन आर सब्जेक्ट CS2। के मीन्स क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्री, ये सारा कुछ आप वर्ड्स सुनोगे जब हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज फोर वर द टॉपिक्स, द न्यू टॉपिक्स विच हैव बीन इंक्लूडेड, विच वर नॉट देयर अर्लियर इन एनी पेपर, जो अभी CS2 में आपका इंक्लूड हुआ है। अलॉन्ग विद दीज टॉपिक्स ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग विच इज़ कॉल्ड आर, ठीक है। अब जिन्होंने CS1 कर रखा है उन्हें ऑलरेडी आर प्रोग्रामिंग आती है, तो उनके लिए हम बोल सकते हैं ठीक है, आपको एक एडवांटेज है। किस हद तक? आपको बेसिक क्लासेस नहीं करने पड़ेंगे, बस इस हद तक आपको एक एडवांटेज मिल रहा है। हम 8 to 10 क्लासेस ऑफ बेसिक आर करेंगे, एंड वाई दिस? बिकॉज डायरेक्टली अगर हम लोग चैप्टर का एप्लीकेशन आर में करने लग गए, सो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। 8 to 10 क्लासेस आराम से हम आर को समझेंगे, आर के इंटरफेस को समझेंगे, डिफरेंट बेसिक फंक्शंस जो सब जगह यूज़ होते हैं वो सारा करेंगे, एंड उसके बाद जैसे जैसे हर एक चैप्टर खत्म होते जाएगा वैसे वैसे हम उसको आर में अप्लाई करते जाएंगे। नाउ इंस्टीट्यूट इज़ नॉट आस्किंग यू टू यू नो बिकम वेरी एफिशिएंट इन आर, दे आर जस्ट सेइंग यू, दे आर जस्ट आस्किंग यू कि आप इस टॉपिक को कैसे आर में अप्लाई कर सकते हो। ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको प्रूफ करना है कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, कॉन्सेप्चुअली थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, एंड उसको आप आर में काफ़ी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट द इंस्टीट्यूट वांट्स फ्रॉम यू। दे डू नॉट वांट कि आपको आर बहुत है, बिकॉज आर इज़ अ वेरी अगेन अ वेरी वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन नॉट लर्न इट। सिर्फ CS2 पढ़ के अगर आप बोलोगे कि आपको आर आता है, आप एकदम प्रो बन गए आर में, वैसा नहीं है। आपको आर का बेसिक आ जाएगा, हाँ आप बहुत कुछ ये सब सारे कुछ आर में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जो सब सोचते हैं कि पहले हम थ्योरी कर ले फिर हम आर में जाएंगे, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। हम जैसे जैसे अपना थ्योरी चैप्टर्स ख़त्म करते जाएंगे, एक चैप्टर ख़त्म करा उसको हमने आर में किया, फिर एक चैप्टर ख़त्म करा फिर हमने उसको आर में किया, तो ऐसे क्या होगा ना। जैसे मैंने बोला ये जो सारे टॉपिक्स आप देख रहे हो इधर, ये सारे रिलेटेड नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। तो क्या होगा ना, जब आप एक बार पूरा CS2 ख़त्म कर लोगे और फिर बाद में जब आप रिवीजन शुरू करोगे ना, फर्स्ट टाइम जब आप रिवाइज़ करोगे, तभी भी आपको हल्का डिफिकल्ट लगेगा, कि याद करने में एक्चुअली हल्का डिफिकल्ट लगेगा। अंडरस्टैंडिंग वाइज इट विल बी क्रिस्टल क्लियर, बट आपको हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार रिकलेक्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो, क्योंकि अगेन देयर आर मेनी टॉपिक्स, बट वी हैव to complete this in 12 weeks, we will try to complete in 12 weeks, and उसके बाद काफ़ी टाइम बचेगा रिविजन के लिए। काफ़ी सारे हम मॉक्स कंडक्ट कराएंगे, तो सारे मॉक्स करने हैं, पेपर ए एंड पेपर बी दोनों के मॉक्स कंडक्ट कराएंगे। काफ़ी सारे हम डाउट क्लियरिंग क्लासेस रखेंगे बाद में, तो काफ़ी सारा डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगा। तो ये सारा क्या हो जाएगा ना, इसकी वजह से हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जस्ट बिफोर एग्जाम। कोई अगर बोले CS2 डिफ़िकल्ट है, तो हम बोलेंगे नहीं, CS2 बहुत ईजी है और हम बहुत अच्छे से उसको करेंगे एंड बहुत अच्छा मार्क्स लेंगे। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर मेरे साथ साथ करते जाओ, घर पे जाके मैंने जो होमवर्क दिया है, मैंने जो सम्स दिया है उसको आप प्रैक्टिस करो, मेरे कॉपी के नोट्स को आप गो थ्रू करो, साथ ही साथ हम जब आर प्रोग्रामिंग क्लास में करें आप मेरे साथ करो, फिर घर जाके आप वापस उस कोड को रन करो खुद से, तो आप सोचो आप क्या कर रहे हो। आप मेरे साथ क्लास में बैठे हो, यहाँ पे आप थ्योरी के चैप्टर पढ़ रहे हो मेरे साथ, मैं आपको नोट्स लिखा रही हूँ, आप समझ समझ के पढ़ रहे हो, मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो, घर जाके कॉपी रिवाइज कर रहे हो, कोर रीडिंग गो थ्रू कर रहे हो। कोर रीडिंग जब आप गो थ्रू करोगे तो आप देखोगे कि हर टॉपिक के बाद छोटा सा एक आर का कोड दिया हुआ है, हर एक टॉपिक का एक आर का कोड दिया हुआ है, कैसे उसको उस टॉपिक को आर में अप्लाई करेंगे, तो वो सारा क्लास में होगा। प्लस और भी काफ़ी सारे असाइनमेंट्स हम आर में करेंगे, तो वो हमने थ्योरी किया क्लास में, आपने नोट्स लिखा, घर जाके आपने कॉपी गो थ्रू किया, आपने को रीडिंग गो थ्रू किया, आपने सम्स करे, क्लास में से डाउट सॉल्व करवाया, नेक्स्ट डे हम लोग उसका आर का सम आर करेंगे इन क्लास, वापस आप घर जाके आर को रिवाइज करोगे, तो आपका वो टॉपिक एकदम अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। फिर वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड वील डू दिस विद इन 12 वीक्स, ताकि आपके पास बाकी पूरा टाइम हो
3 3.5 months आपके पास पूरा हो फॉर रिविजन. ठीक है, सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू. CS2 डिफिकल्ट पेपर है, मिल के साथ में उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ईजी बनाएंगे, एंड ट्रस्ट मी इट कैन बी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग. सो दैट्स इट, दैट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑन CS2, विच इज़ अगेन रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस. थैंक यू.